नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर क्रिटिकल। आज टुडेज टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं, कौन सा ब्लड कहाँ कहाँ से कंपाउंड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरीज कौन सी वेंस में पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी आर्टरीज कौन सी वेंस में पाया जाता है। तो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं ये है हमारे पास हार्ट की स्ट्रक्चर। हार्ट की स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो ये ब्लू कलर से आपको ये बड़ी वाली फिर लार्जर ग्रेटर वेसल दिख रही है। इस ग्रेटर वेसल को हम बोलते हैं क्या, सुपीरियर वीना कवा। सुपीरियर वीना कवा क्या बोलते हैं, सुपीरियर वीना कवा। सुपीरियर वीना कवा। अब बात करते हैं कि ये सुपीरियर वीना कवा है क्या। तो जब हमने देखा सुपीरियर वीना कवा क्या है कि सुपीरियर वीना कवा एक ऐसी ग्रेटर ब्लड वेसल है जो शरीर में भी थोरैक्स के ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हार्ट के ऊपर ऊपर बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे स्कल हो गया, हमारा फोरहेड हो गया, सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, ब्रेन हो गया, और हमारा नोज हो गया, चीक्स हो गया, फेस हो गया, हमारे अपर लिम्स हो गए, वहाँ के जितने भी वेन्स होती है, हार्ट के अलावा जितने भी ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन का जितना भी वीनस ड्रेनेज होता है, वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है कि उस नॉर्मल वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसके अंदर कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसके अंदर ज्यादा होती है। तो नॉर्मली जब मैं क्या कह रहा हूँ, जो वीनस ड्रेनेज होता है मतलब अलग अलग वेन्स जैसे सेरेब्रम, जैसे सेरेब्रम है, अब सेरेब्रम के अंदर वेन्स हैं जैसे मीडियल सेरेब्रल वेन, एंटीरियर सेरेब्रल वेन, पोस्टीरियर सेरेब्रल वेन। तो ये वेन्स कहाँ से, ब्रेन से जो वीनस इंप्योर ब्लड होगी जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसे कहाँ से आते हैं, सुपीरियर वीना कैवा से अंदर की तरफ एंटर करते हैं। और जिस चेंबर में एंटर करते हैं उस चेंबर को हम बोलते हैं, जो आप चेंबर देख रहे हो इस चेंबर को मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट एट्रियम। क्या बोल रहा हूँ, राइट एट्रियम। सेम उसी तरह ये जो आपको ये जो छोटा वाला ये बड़ा वाला लार्जर जो ब्लड वेसल दिख रही है, अब ये क्या करेंगे, थोरेक्स के नीचे नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे आपका हो गया क्या क्या, स्टमक हो गया ठीक है, ओवरी हो गए, लीवर हो गया, आपका फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, मतलब लोअर लिम्स की जितने भी ब्लड वेसल्स होगी, वेन्स होगी, ओवेरियन वेन हो गई, गैस्ट्रोड्यूडेनल वेन हो गई, जो कि इंटेस्टाइन की वेन होती है, हेपेटिक वेन्स होगी, ये सारी वेन्स का जो वीनस ब्लड है, जो वीनस ड्रेनेज है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इंफीरियर वीना के वास्ते कहाँ चला जाएगा, वापस उसी चेंबर में। देखो कि इस चेंबर में जा रहा है, yes. मैं इसको हटा के देख रहा हूँ, मैं कौन सा चेंबर पा रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर वाला जो चेंबर है, इस ऊपर वाले चेंबर को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, इस वाले चेंबर को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, राइट एट्रियम, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वीनस ड्रेनेज का मतलब है, तो सुपीरियर वीना कैवा से और इंफीरियर वीना कैवा से कहां आके गिरता है, कहां आके गिरता है, राइट एट्रियम। अब सुनो, जो आप ये वेन्स देख रहे हो हार्ट की वेन्स दिख रही है आपको, यस सर, ये ब्लू कलर से वेन्स दिख रही है। अब हार्ट की वेन्स भी तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगी, हार्ट की वेन्स भी कहीं ना कहीं जाके अपना वीनस ड्रेनेज करेगी। तो पहले तो हार्ट की वेन्स के समूह को, हार्ट की वेन्स के कलेक्शन को, समूह को हम क्या बोलते हैं, साइनस। साइनस मतलब उनके ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज साइनस। कोरोनरी साइनस, हार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोनरी
भी कहाँ पे जाके गिरती है? राइट एट्रियम में। कहाँ पे जाके गिरती है? राइट एट्रियम में। यदि मैं आपको दिखाऊं, इसमें नहीं है, दूसरे मॉडल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको पोर्शन, ये क्या है? ये इंटरनली एक वेसल होती है जो इंटरनली राइट एट्रियम पे, जो इंटरनली राइट एट्रियम में आपकी ड्रेन होती है, इसको क्या बोलता हूं मैं? इस ब्लू कलर के आर्टरी वे सॉरी वेन को क्या बोल रहा हूं मैं? कोरोनरी साइनस। मतलब सारी वेन कहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाके गिरा दिए? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में कितनी वेन जाके गिरती है? कौन कौन सी? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। तो फाइनली ब्लड कहां आ गया हमारा? राइट एट्रियम। फाइनली हमारा ब्लड आ चुका है राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम के पास ब्लड आया तो क्या होगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन क्या है? राइट एट्रियम। ये वाला पोर्शन क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक वॉल। मतलब जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही सारा ब्लड डीऑक्सीजन। अच्छा, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है हमारे पास? डीऑक्सीजन। जैसे ही राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, धीरे 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 उस चैम्बर का प्रेशर बढ़ा, और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये जो वॉल था, इस वॉल को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अंदर तीन कस्प होते हैं। कस्प का मतलब होता है पत्ते, पत्ते लीफलेट, तीन लीफलेट से मिलकर बना होता है ये वॉल, और इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राइकस्पिड वॉल। इस ट्राइकस्पिड वॉल में ये जो आपको मस्कुलर फाइबर्स आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो मस्कुलर फाइबर्स नजर आ रहे हैं, इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉडा टेंडरी। क्या बोल रहा हूं? कॉडा टेंडरी। तो ये कॉडा टेंडरी स्ट्रेच होते हैं, और स्ट्रेच होने के बाद इस वॉल को इस तरीके से ये ओपन कर देते हैं, और सारा ब्लड कहाँ जाता है? इस राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाता है? इस राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई सभी? अब देखो मैंने क्या किया। देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये जो आपको बॉल दिख रहा है ये वाला, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्राइकस्पिड वॉल। जब मैंने इस वेंट्रिकल को भी ओपन किया, मैंने क्या कर लिया? देखो ये कॉर्डा टेंडनी है। क्या है? कॉर्डा टेंडनी। अब ब्लड कहाँ आ गया मेरे पास? ये ट्राइकस्पिड, ये देखो ये वॉल्व आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस वॉल्व को क्या बोल रहा हूँ मैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। किस किस के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? राइट। अब ब्लड कहाँ आ चुका है? राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम अगर देखें, कहने का मतलब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में वॉल, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया तो क्या हुआ? आप
आपको ये बॉल नजर आ रहा है, ये वाला जो बॉल नजर आ रहा है, ये वाला बॉल देखो ना, समझ में आया सभी के? इस बॉल को क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो अर्ध, पीछे से अगर देखें इसको, ये कैसा है, अर्धचंद्राकार है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेमिलिनियर बॉल। अब ये बॉल पल्मोना की तरफ जाएगा, पल्मोना का मतलब हो गया लंग्स, जहां जहां पे शब्द आ रहा है पल्मोना, पल्मोना की लंग्स, मतलब इस बॉल का नाम क्या पड़ गया, सेमिलिनियर पल्मोनरी, के पास जब प्रेशर से ब्लड, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, तो प्रेशर से ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल क्या होगा, जब ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाएगा, देन एक सेकेंड आता हूं आपको अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल ये था, ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल था, ये ब्लू वाला जो देख रहे हो आप, ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल था। अब ये सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल किसमें जाके खुल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो आर्क देख रहे हो ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक दो पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक ये वाली आर्टरी, एक ये वाली आर्टरी, तो दो पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो दो ट्रंक में बाइफरकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब क्या? बाइफरकेट का मतलब क्या? डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड हो गया। बाइफरकेशन का मतलब है डिवीजन। तो ये पल्मोनरी ट्रंक किस में डिवाइड हो गया? दो पार्ट्स में। कौन कौन से? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा नहीं है। तो मैं अब पहला एक्सेप्शन, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज किसका ब्लड होती है? रेड। यहाँ क्या है? ब्लू। ब्लू क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पहला एक्सेप्शन है जहाँ पे आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है किसके पास चली गई? लंग्स के पास। किसके पास चली गई? लंग्स। लंग्स के पास। अब देखते हैं ये लंग्स आ गया अपना, जब मैंने इसको खोला, रिमूव किया, देखो यहाँ से दो पल्मोनरी आर्टरीज जा रही है, हाँ सर जा रही है, एक इधर एक इधर, ये किसके पास जा रही है? किसके पास जा रही है? लंग्स के पास। किसके पास जा रही है? लंग्स। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के पास चली गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लू से मार्क्ड है वो राइट लंग्स के पास चली गई। अब लंग्स में जाके क्या होगा, अब लंग्स में जाके क्या होगा कि ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ब्लड का, प्योरिफिकेशन हो जाएगा ब्लड का। कैसे होगा? देखो, जब प्योरिफिकेशन हो गया, जब ब्लड का प्योरिफिकेशन हो गया, लंग्स से चार पल्मोनरी वेन्स निकलती है, लंग्स से चार पल्मोनरी वेन्स निकलती है। कौन कौन सी? ये देखो, ये चार, एक ये वाली, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? पल्मोनरी
क्या बोल रहा हूँ, पल्मोनरी वेंट्स। इस पल्मोनरी वेंट्स में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, ये तो रेड है। रेड में क्यों है ब्लड में ऑक्सीजनेशन की मात्रा कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर फॉर सो दैट देयरफॉर इट इज रेड इन कलर। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एन आर्टरी और एन ब्लड वेसल, देयरफॉर द कलर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी वाज ब्लू। क्लियर हो गया, समझ आया। अब देखिए वेंस कितने, आर्टरीज कितनी थी दो, वेंस कितनी चार, पल्मोनरी आर्टरीज कितनी दो, पल्मोनरी वेंस कितनी चार, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेंस में कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेंस में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, पल्मोनरी ट्रंक में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेंस में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन, पल्मोनरी वेंस में कौन सा ब्लड ऑक्सीजन। कितनी पल्मोनरी वेंस, चार। और पल्मोनरी वेंस के नाम सुनो, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेंस, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेंस, राइट इंफीरियर इंफीरियर पल्मोनरी वेंस। क्लियर हो गई सभी के, समझ में आई कंफर्म आई। अब देखो क्या हुआ, जब ये पल्मोनरी वेंस हो गई तो क्या होगा कि ये पल्मोनरी वेंस देखो कहाँ जाके, या देखो अंदर ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहाँ से ये सारी पल्मोनरी वेंस कहाँ अंदर की तरफ जा रही है, कहाँ पे अपना ब्लड ड्रेन कर रही है, लेफ्ट। ये कौन सा चैम्बर है ये ऊपर वाला, लेफ्ट एट्रियम। कौन सा चैम्बर है ये, लेफ्ट लेफ्ट। तो इसको ढंग से मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये वाला जो ऊपर वाला जो चैम्बर होगा ये कौन सा चैम्बर होगा, लेफ्ट एट्रियम। अब मैंने जब इस लेफ्ट एट्रियम को खोला तो क्या देखा, देखो वापस देखो, ये पल्मोनरी वेंस, ये पल्मोनरी वेंस, ठीक है, चार पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट इंफीरियर, राइट सुपीरियर, राइट इंफीरियर। अब जब ये पल्मोनरी वेंस कहाँ जाके अंदर घुस रही है, कहाँ खुल रही है, देखो चार चार डॉट्स है, चार डॉट्स है, ये ड्रेन कर रही है, किसके अंदर ड्रेन कर रही है, लेफ्ट 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 के अंदर, लेफ्ट। जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाएगा वापस प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये कॉर्डा टेंडनी, इसको क्या बोल रहा था, मस्कुलर फाइबर को, कॉर्डा टेंडनी जो मस्कुलर फाइबर्स होगी वो कॉर्डा टेंडनी मस्कुलर फाइबर स्ट्रेच करेगी, और स्ट्रेच करने से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल, बाइकस्पिड वॉल, जिसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगा, ऐसे करके ये मसल स्ट्रेच हुई, और मसल स्ट्रेच हुई तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या होगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, ब्लड फिल। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड था, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। लाउडली बोलो, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा देन वापस देखो कि ये देखो ये कॉर्डा टेंडनी है, ठीक है, ये कौन सा बाइकस्पिड वॉल्व है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होगा तो अगर आपको मैं ध्यान से दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक गैप है, देखो ये गैप है, ये गैप किस शेप में है, ये सेमी ल्यूनर वॉल, ये भी कैसा है, सेमी ल्यूनर वॉल में, लेकिन ये वॉल ओर्टा की तरफ खुलता है, तो इस वॉल का नाम क्या होगा, देखो ऊपर से देखें तो ये रेड कलर का वॉल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका कलर कैसा कर दिया, रेडिश कलर हो गया। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं,
सेमी ल्यूनर ओर्टिक वॉल, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेमी ल्यूनर ओर्टिक वॉल। और यहाँ पे ये वाला वॉल कौन सा था, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल। इसका कलर क्यों था, ब्लू क्यों था, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खुल रहा था। तो सेमी ल्यूनर ओर्टिक वॉल में कौन सा ब्लड खुलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये सेमी ल्यूनर ओर्टिक वॉल जब ओपन होगा, देन अभी दिखाते हैं आपको व्हाट विल हैपन इस सेमी ल्यूनर ओर्टिक वॉल के ओपन होते ही। इस सेमी ल्यूनर वॉल के सेमिलर वॉल दोनों है, लेकिन पल्मोना की तरफ जा रहा था, इसलिए सेमिलर पल्मोनरी वॉल था। उसका कलर कैसा था, ब्लू, क्यों, क्योंकि वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये सेमिलर वॉल ओटा की तरफ जा रहा है, इसलिए सेमिलर ओर्टिक वॉल। इसका कलर कैसा है, रेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। ये सेमिलर ओर्टिक वॉल, ये देखो, ये सेमिलर ओर्टिक वॉल, ये सेमिलर ओर्टिक वॉल, ये सेमिलर ओर्टिक वॉल। अब इसको मैं जब जोड़ दूं तो क्या होगा, ये सेमिलर ओर्टिक वॉल क्या होगा, ये जो रेड कलर की आपको जो ये लार्जर वेसल, ग्रेटर वेसल जो आपको दिख रही है, ये कर्वी स्ट्रक्चर में, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ओर्टा। ओर्टा के भी पार्ट, क्योंकि ये ओर्टा ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया असेंडिंग ओर्टा। क्योंकि ये ओर्टा इधर कर्व बना रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आर्क ऑफ ओर्टा। और ये ओर्टा अगर नीचे की तरफ चला जाता है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डिसेंडिंग ओर्टा। ये डिसेंडिंग ओर्टा क्या कर रहा है, जितने भी बॉडी की ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, काम है। और वो सिस्टम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इजीली डिसेमिनेट हो जाता है। शब्द क्या सीखा, डिसेमिनेट मींस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे अब हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट में जाएगा, लंग्स है, ब्रोंकियल आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, ठीक है, वहां तो वेन से ड्रेनेज हो रहा था, अब आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है, लंग्स है तो ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू जाएगा, गैस्ट्रोड्यूटेनल आर्टरी के थ्रू स्टमक और इंटेस्टाइन में जाएगा, ओवेरियन आर्टरी के थ्रू ओवरी में जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हिपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर में जाएगा, सेरेब्रल आर्टरी अब ऊपर का भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से और फर्दर ब्रांचेस निकलती है तो ऊपर जाएगा, जैसे कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से वो और ज़्यादा ब्रांचेस बनेगी, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी में जाएगा, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच बनेगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में जाके वो फ्रंटल लोब को सप्लाई करेगा, ठीक है, दो लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी LACA, राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी RACA, ठीक है, वो राइट फ्रंटल लोब को सप्लाई करेगा, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी टेम्परल और पैराइटल लोब को सप्लाई करेगी, लेफ्ट मीडियल सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट टेम्परल और लेफ्ट पैराइटल को करेगी, राइट मीडियल सेरेब्रल आर्टरी राइट पैराइटल और टेम्परल लोब को सप्लाई करेगी, फिर वो ऑक्सीपिटल लोब को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, फिर उसके भी ब्रांचेस निकलते जाएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, फिर बोन्स को कौन सी आर्टरी कर रही है, बेसिलर आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो ऐसे करके सारी ब्रांचेस क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और पूरे ब्रेन में या पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सुपीरियर वीना केवा से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का वीनस वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना केवा से आता है, इंफीरियर पोर्शन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर केवा से आता है, और हार्ट का जो ब्लड होता है वो कौन से कोरोनरी साइनस से, तीनों ब्लड वेसल्स क्या होती है, मर्ज हो जाती है, कहां मिलती है, जाके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वॉल खुलता है प्रेशर की वजह से, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जब खुलेगा वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर एक वॉल खुलेगा जिसको क्या बोल रहा हूं मैं, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल प्रेशर से ओपन होता है, प्रेशर से ओपन होने के बाद क्या होता है, क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक में देखो ये वाला बताया था मैंने, ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया था इसको क्या बताया था, पल्मोनरी ट्रंक से ये
दो आर्टरी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी सॉरी वेंस की आर्टरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी टू है इसलिए आपका आर्टरी का एक्सप्रेशन बताया था कि पल्मोनरी ट्रंक से दो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स को राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स को सप्लाई करेगी और करने के बाद फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में चार पल्मोनरी वेंस के थ्रू मर्ज हो जाएगा लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन और उसके बाद वहां आ जाएगा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो ओडा टेंडनी जो मसल्स होगी वो स्ट्रेच होगी उस ओडा टेंडनी मसल्स के स्ट्रेच होने के बाद जो कस्प होंगे बाइकस्पिड वॉल्व होता है बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा वो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज होने के बाद सेमीलुनर पल्मोनरी सॉरी सेमीलुनर ऑर्टिक वॉल्व सेमीलुनर ऑर्टिक वॉल्व ओपन होगा सेमीलुनर ऑर्टिक वॉल्व ओपन होने के बाद डिसेंडिंग ओर्टा फिर आर्क ऑफ ओर्टा हां सॉरी असेंडिंग ओर्टा आर्क ऑफ ओर्टा फिर डिसेंडिंग ओर्टा के पूरे सिस्टम में ब्लड फ्लो हो जाएगा कौन सा ब्लड ऑक्सीजन थैंक आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आई होगी लेट द नीडी वंस गेट द वीडियो